प्रदेश में कालका विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लोग बाहर बाहर से लड़ने के लिए चुनाव लड़ने आ जाते हैं। आपके साथ नारायणगढ़ लगा लो, बचकुदा लगा लो, कोई बाहर का नहीं आता, पूंजीपति चढ़ौरा लगा लो, मलाना लगा लो, अंबाड़ा कैंट लो, अंबाड़ा शहर हो, हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र पर एक ऐसा ठप्पा लगा हुआ है कोई किसी को भेज देते हैं पैसे के बनबूते और चुनाव लड़ने के। तो जहां एक तरफ हम तानाशाही सरकार के 10 सालों कष्ट देने कठिनाइयां परेशानियां हमें दी, वहीं ऐसे पूंजीपतियों को और इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का आपके पास एक अवसर है। इनको ऐसा सबक सिखाएं कि आने वाले समय में कोई भी बाहर का व्यक्ति किसी भी पार्टी का प्रत्याशी बनाए तो इधर कालका का मुंह ना करें। कम से कम हमारी जो यहाँ पार्टियां हैं, यहाँ के लोग बड़े अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, यहीं के लोग चुनाव लड़े, ऐसा इनको सबक सिखाने का काम करें। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, वोट वोट की जोर से आप तानाशाही सरकार को और इन पूंजीपतियों को जो धनवान के बलबूते पर आज चुनाव लड़ने हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या सोचा है? उन्होंने तो पूंजीपतियों के बारे सोचा, बीजेपी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया, जो गारंटियां देनी है, उसके बारे में आपको चंद शब्द में अपनी बात बताऊंगा। सबसे पहले महिला शक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष की आयु तक हर महिला के खाते में 2000 रुपए हर महीने डाले जाएंगे। जो पेंशन 3000 रुपए बुजुर्गों की है, वह पेंशन बढ़ाकर 6000 रुपए करने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया। और इसी प्रकार 300 यूनिट बिजली के हर परिवार को फ्री देने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया। और घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपए से ज्यादा ना हो, 500 रुपए तक रहे, ये कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। जिनके राशन कार्ड नहीं पीड़े, जिन जरूरतमंदों के पीड़े राशन कार्ड कट गए या बढ़े नहीं, या जिनकी पेंशन आईडी फैमिली के कारण कट गई या नई पेंशन नहीं लगी, उन जरूरतमंदों के पीड़े राशन कार्ड बनाए जाएंगे और पेंशन जिनकी नहीं लगी उनकी पेंशन लगाने का काम किया जाएगा। और जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, उनको जगह देकर 3.5 लाख रुपये बनाने के लिए देने का प्रावधान घोषणा पत्र में रखा गया है। आजकल इलाज बहुत महंगा है, तरह तरह की भयंकर बीमारियां हैं, इलाज कराने में असमर्थ आम व्यक्ति का बड़े लिए बहुत महंगा खर्चा होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह घोषणा, ऐसी अनेकों सुख सुविधाएं जो कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। तो मेरी आपके चरणों में विनती प्रार्थना है कि 36 बरादरी की पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसमें किसान, कर्मचारी, महिला, युवा, दलित, पिछड़ा, हर वर्ग का मान सम्मान हो और सभी परेशानियां हमारी दूर हों। इसलिए मेरी आपसे विनती प्रार्थना है, हाथ जोड़कर मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि आप आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के आगे का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देकर कामयाब बनाएं। मैं आपको यकीन, भरोसा, विश्वास दिलाता हूँ कि इस सरकार में जो हमारे विकास के, जो हमारे रोजगार के, जो सरकार में हमारे हलके के हक होंगे, उन हकों को लाकर आपके बीच आपका पूरा मान सम्मान बढ़ाया जाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि वोट की बहुत कीमत है, वोट बहुत अहमियत रखती है, वोट का बहुत महत्व है, वोट का सही सदुपयोग हो, जो कोई भटके भुटके हैं उन्हें भी प्यार से समझाएं बुझाएं। आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के आगे का बटन दबाकर हरियाणा प्रदेश की शक्ति बरादरी की पार्टी के सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद देकर कामयाब बनाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो गाँव वासियों ने यहां प्यार मान सम्मान दिया, जो पगड़ी, उसकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसकी इलाज रखूं, उसकी मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी का, माताओं, बहनों, भाई, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का, आयोजक गणों का, सरपंच साहब, हमारे जिला परिषद के मेंबर का बहुत बहुत इनके सभी साथियों का धन्यवाद, नमस्कार।